ते बिजली की किल्लत इस वेले कई थावां ते महसूस की जा रही है। इस घाट करके रूपनगर के नेड़े करीब 6 पिंडां दे लोकां ने 132 केवी सब स्टेशन के बाहर देर रात धरना ला दिता। नतीजा चंडीगढ़ ऊना हाईवे तक जाम कर दिता गया। बाद च प्रशासन ने मुलाकात लई सवेरे 10 बजे का समा दिता है। लोगों मुताबक एक दिन दे विच 2 तो 4 घंटे ही बिजली आ रही है, बाकी 8 तो 12 घंटे के कट लग रहे ने। गर्मी का मौसम है और लोग काफ़ी खज्जल खुआर हो रहे हैं। इसनों लैके जो लोग ने सड़कों पर उतर आए थे। सो इस वधेरे जानकारी नहीं साढ़े नाल मेरे सहयोगी पत्रकार बिमल कुमार साढ़े नाल जुड़ चुके हैं। जी बिमल, जेकर गल की जाए एक पासे तो वड्डे वड्डे वादे ते दावे किए जा रहे हैं कि बिजली जो है मुफ्त की जाएगी, 24 घंटे दी जाएगी, वड्डे वड्डे दावे किए जा रहे हैं। पर जेकर मौजूदा स्थिति की गल करिए बिजली जो है लोग कह रहे हैं कि 2 तो 4 घंटे ही दिहाड़ी दे विच आउंदी है, यानी कि 24 घंटिया दे विचों सिर्फ 2 तो 4 घंटिया दे विच। की पूरा मामला होया, राती जो है जाम किया गया मेन हाईवे? जी सरकार कोई भी रही हो बिजली की समस्या हर सरकार दे विच जिहड़ी है रहिंदी है। और कल की गल की जाए तो कल भी जिहड़ा है किसान जिहड़े लोकल किसान ने लोकल लोग ने जिहड़े स्थानक वसनीक ने करीब दर्जना पिंडां दे जिहड़े लोग है ये कल इकट्ठे हुए थे। इन्हों के मुताबिक जिहड़ा है 12 तो 13 घंटे का जिहड़ा कट है वो इन्हों के पिंडां दे विच लगता है। करीब 2 या 3 घंटे लिए जिहड़ी है बिजली इन्हों के घरां दे विच आउंदी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पै रही है और इस गर्मी के छोटे छोटे बच्चे जिहड़े ने महिलावां जिहड़ियां ने काफ़ी परेशान होंदियां ने। सो कल इन्हों थक हार के जिहड़ा है बिजली 132 के वी सब स्टेशन जिहड़ा हैगा हाईवे दे उत्ते उत्थे धरना लगाना पिया, उहदे नाल नाल इन्हां ने हाईवे भी जाम किया। सो काफी देर तक रात करीब 12:30 बजे तक जिहड़ा इन्हां दा जाम उत्थे लगा रहा, पर कोई भी अधिकारी जिहड़ा मौके ते नहीं पहुंचिया। फिर काफी देर तो बाद जिहड़ा हैगा SDO मौके ते पहुंचे और उन्होंने जिहड़ी है मौके ते लाइट जिहड़ी है इन्हां नूं बिजली जिहड़ी है पहुंचाई आ। और उस तो बाद अज सवेरे 10 बजे एक मीटिंग भी इन्हां दे नाल इन्हां पिंडां वालियां दे नाल रखी गई सी। जी प्रशासनिक अधिकारियों की गल करिए तां की कहना है उन्हां दा, क्योंकि जेकर बत्ती दा कट लग रहा है ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋ SDM ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਲੇ ਕੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਲੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਹਾਈ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।